हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इसी का फर्स्ट एंगल ड्रॉ कर बताऊंगा कि फर्स्ट एंगल में अगर आपको बनाने हैं, मैं इसका जो थर्ड एंगल है, इसका थर्ड एंगल का वीडियो मैं बना सकता हूँ। फर्स्ट एंगल का मैं आज बना के अपलोड कर दे रहा हूँ। जो फर्स्ट एंगल है आपको किस तरीके से हल करना है, बहुत लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन इसमें है कि हमें सर ये एंगल लेना है तो किस तरीके से लेना है, किस तरीके से लेना है। बोर्ड पर मैंने समझाया था तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, तो आज मैं पेपर पर इसको फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करके बताऊंगा। इन लोग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको चांदी का प्रयोग करना है। अगर चांदी नहीं है तो मिनी ड्राफ्टर बहुत बड़ा होता है तो किसी कोई नहीं ले जा पाता है, तो चांदा से भी आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। बिना चांदी का ये डायग्राम नहीं बन सकता है। अगर चांदी या मिनी ड्राफ्टर नहीं है तो ये डायग्राम आप नहीं बना सकते हो। अगर केवल स्केल से देख के बनाना चाहेंगे तो 100% जो ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे फर्स्ट एंगल में एक्यूरेट 100% पूरे ऑर्थोग्राफिक गलत होगा। आप जिस तरह से देख रहे हैं अगर उस तरीके से आप बनाएंगे बिना चांदे का तो आपको गलत रहेगा। तो आपको चांदे का प्रयोग करना है, चाहे मिनी ड्राफ्टर तो मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग करना है इस आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में बनाने के लिए। चलिए चलते हैं, फर्स्ट एंगल बनाते हैं किस तरीके से, आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लास्ट तक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो में मैंने इसको थर्ड एंगल में आपको ऑर्थोग्राफिक बनाकर हल किया हूं, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज मैं इसी टॉपिक को फर्स्ट एंगल में आपको हल करके दिखाऊंगा किस तरीके से हल करना है। अगर आपके पास मिनी ड्राफ्टर नहीं है तो आपको क्या करना है कि एक स्केल लेना है और एक चांदा लेना है। एक स्केल चांदे से आपको किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो किस तरह हल करने हैं, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल में हम इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमारा किस साइड दिया हुआ है। तो फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है जबकि साइड व्यू हमारा राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डायमेंशंस एक साइड में दिए हुए हैं और एक साइड में साइड व्यू में नहीं दिए हुए हैं डायमेंशंस। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं। ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है ये 105 डिग्री एंगल पर है, 30 डिग्री एंगल पर है, 135 डिग्री एंगल पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी लंबाई दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है और इसकी कुल लंबाई 50 है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दे दी हुई है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डायमेंशंस नहीं दिया हुआ है, तो आप जान सकते हैं कि ये जो डिग्री है इसी डिग्री पर आपको ये ऑर्थोग्राफिक बनाना है, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, अगर कंफ्यूज होने एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको जिस तरह दिया है आपको आइसोमेट्रिक डायमेंशंस के हिसाब से बनाने हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आपको इसको हल करके बताते हैं कि आपको किस तरीके से बनाने हैं और स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए ये देख सकते हैं कि x y का एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक लाइन खींचा हुआ है और इसी लाइन पर हम बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एंगल बनाना है ऑर्थोग्राफिक, तो हमारा फ्रंट की साइड दीवार लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा राइट हैंड साइड में फ्रंट व्यू बनेगा। तो हम इसकी कुल लंबाई देख लेते हैं, तो इसकी कुल लंबाई आप यहाँ देख सकते हैं कि नहीं दिया हुआ है, तो ऊपर दिया हुआ है 100 mm। तो हम क्या करते हैं, कुल लंबाई इसकी जो कुल लंबाई है वो 100 mm खींच लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो 100 है इसकी कुल लंबाई हम फ्रंट व्यू पर कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। स्केल के द्वारा हम यहाँ से यहाँ तक ये 100 mm आप यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 mm, ये जो 40 mm की हाइट दी हुई है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 40 mm हाइट जो डायमेंशंस हैं हम उसी के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर 40 mm दिया हुआ है, तो 40 mm यहाँ आप देख सकते हैं कि 40 mm मैंने खींच लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फ्रंट से देखेंगे तो हमारा ये एरिया और ये एरिया हमें दिखाई देगा। हम फ्रंट से देखेंगे तो ये एरिया हमें नहीं दिखाई देगा, ना ये एरिया और ना ये एरिया दिखाई देगा। तो हमें जो दिखाई देगा वो बनाना है। तो
अब हमें ये एरिया बनाना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया बनाना है। तो ये एरिया बनाने के लिए इसकी हाइट हमारी नहीं दी हुई है, न इसकी हाइट दी हुई है, तो हमें कैसे पता करना है? तो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक आप देखना है कि कितना डायमेंशन दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 50 mm डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 50 mm डायमेंशन दिया हुआ है और यहाँ पर एक हाइट दी हुई है। तो यही हाइट आपको पता करनी है। तो आपको किस तरह पता करना है, क्योंकि ये एंगल में आपको बनाने हैं। तो यहाँ से आपको ये हाइट पता करने के लिए आपको एक चांदे की मदद लेनी पड़ेगी। ये हमारा चांदा है सिंपल सा, अगर मिनी ड्राफ्टर है तो मिनी ड्राफ्टर से भी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास मिनी ड्राफ्टर नहीं है, चांदा है, तो हम चांदे से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चांदे की मदद से हम क्या करेंगे, इसकी हाइट और प्लस जो 105 mm डिग्री पर है, अब हम इसी को हम बनाएंगे। चलिए चलते हैं। हम पहले इसको क्या करते हैं, ये जो 50 mm का है ये मैं यहाँ पर एक बिंदु लगा देता हूँ। ये हमारा 50 mm की जो डायमेंशंस थी ले लिया। अब हमें इसकी हाइट है, पहले हम स्केल से कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, हाइट कोई भी हाइट ले लेते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने 26 एक पॉइंट लगा लिया, ठीक है। पॉइंट आपको लगाने हैं चाहे हल्के फेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमें 105 डिग्री बनाने हैं। ए बी सी यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, केवल इसकी डायमेंशन दी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि आप ये डायमेंशन ले लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। डायमेंशन लेने के बाद आपको एक कोई पॉइंट लगाना होगा। पॉइंट में अब ये चंदा लेंगे, चांद लेंगे, चांद लेंगे, चांद के बाद आपको कुछ इस तरीके से रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रखना है। ये जो 40 mm है इसके ऊपर हमारा नहीं जाना चाहिए, जो ये जो 105 mm है इसी 40 के अंतर्गत बना है। तो हम क्या करते हैं कि हमें 105 डिग्री लेने हैं। तो 105 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, ये जो बिंदु लगा है इसी बिंदु को हम आगे की तरफ ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है, आप यहाँ आप देख सकते हैं कि 100 हो गया और ये 105 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगा देंगे, ये जो बिंदु है इस बिंदु के ठीक नीचे की तरफ है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं और यहाँ से ये मिला देते हैं। देख सकते हैं आपको किस तरह पता करना है। आपको एक चांदा लेना है, एक इसके पास एक बिंदु लगाना है और बिंदु लगाने के बाद चांदे को कुछ इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर देखना है कि हमें 105 डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 105 यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 हो गया और ये हो गया 5, ये हो गया 10 हो गया। तो हमें यहाँ तक लाना है, तो इसी को हम ऊपर की तरफ चांदे को करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन मैंने खींची है 105 पर है, देख सकते हैं यहाँ पर 105 पर है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इस बिंदु को चांदे को इस तरह रखना है। इस तरह रखने के बाद आपको इस तरह 105 डिग्री के एंगल पर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारा 105 डिग्री, ये जो है हमारा एंगल बना है ये 105 डिग्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 90 डिग्री पर है और ये 105 डिग्री पर हमारा ये जो एंगल है अंदरूनी एंगल वो 105 डिग्री बना है। अब हमें क्या करना है, ये जो 30 डिग्री बना है, ये 30 डिग्री अब हमें चांदे की मदद से यहाँ पर इस लाइन पर 130 डिग्री के एंगल पर बनना है। तो हम डायमेंशंस जो दिया हुआ डिग्री है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो अब चांदा आपको इस तरीके से पकड़ना है और चांदे को इस लाइन पर, जो ये वाला लाइन है, इस लाइन पर रखना है। आप देख सकते हैं कि कुछ तरीके से आपको दाएं बाएं नहीं जाना है, आपको चांदे से आपको इस तरीके से रखना है। आप देख सकते हैं ये हमारा चांदा है, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें 30 डिग्री देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकता है वो 30 डिग्री पर है। तो हमें क्या करना है, ये इस बिंदु पर हमें
लगा देना है एक बिंदु, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा 30 डिग्री के कोण पर है। आपको चांदे पर इसे रखना है और हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ हमारा दिया हुआ है वो 60 mm यहाँ पर दर्शाया हुआ है, यानी ये जो लाइन आएगी वो हमारा 60 mm से अधिक नहीं आनी चाहिए। यानी जिस तरह ये बोला है कि इसकी हाइट 40 mm से ऊपर नहीं जानी है तो हमारा यहाँ से 105 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 यहाँ पर 60 mm है। तो हम क्या करते हैं कि स्केल लेते हैं और ये जो बिंदु लगाए हैं 30 डिग्री पर, यहाँ से इस बिंदु को मैच करते हुए हम 60 mm, यहाँ आप देख सकते हैं कि 60 mm से अधिक नहीं लेना है, तो हम रोक देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा 30 डिग्री के कोण पर ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाना है आपको। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि आपको चांदे को इस तरह पकड़ना है और ये जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर इस तरीके से रखने हैं। और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्यूरेट 30 पर हमारा है और ये जो लाइन है वो हमारी यहाँ पर दी हुई है 60 mm। तो कुछ इस तरीके से बना है। और तीसरी, ये पहला कोण बन गया, दूसरा कोण बन गया, देखिए पहला कोण बन गया, दूसरा कोण बन गया, अब हमें तीसरा कोण बनाने हैं। कोई डायमेंशन नहीं दिया है, बस इसकी डायमेंशन दी है, इसकी लेंथ की डायमेंशन दी है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है कि 135 डिग्री बनाने हैं इस कोण पर, यानी अंदर वाली कोण पर बनाना है। ध्यान दीजिएगा सारा अंदर वाली कोण है, ये भी अंदर वाली कोण है। तो अब हमें क्या करना है, इसी के नीचे की तरफ हमारा 135 डिग्री कोण बनाने हैं। तो आपको चांदे को क्या करना है, किस तरह पकड़ना है, आपको चांदे को इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। और इस तरीके से पकड़कर आपको चांदे को यहाँ पर इस पॉइंट में लगाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट पर हमारा लग गया। अब हमारा क्या दिया है, चांदे पे क्या दिया है, 135 डिग्री के कोण पर हमें बनाना है। तो 135 हमारा यहाँ आप देख सकते हैं कि 30 और 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35, यानी हमारा ये आ रहा है। ये अगर हम 135 कोण बनाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर आ सकता है। देख सकते हैं कि 130 और ये जो बीच में है ये 5 आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक पूर्ण विराम लगा दिया, बिंदु लगा दिया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक लाइन खींच लेते हैं और इस बिंदु, ये जो बिंदु लगाए हैं आपको इसी बिंदु को मैच करना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डायमेंशंस नहीं दिया हुआ है, इसकी हाइट भी डायमेंशंस नहीं दिया हुआ है। तो हाइट पर मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पर डिग्री हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा जो बचेगा यहाँ से 40 mm, यानी ये जो हमारा है ये 40 mm पर ही बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा 60 mm है, ये 40 mm के अंतर्गत ही बनेगा, यानी जो इसकी कुल डिस्टेंस है 100 mm दिया हुआ है। तो 100 mm के अंदर ही आपको ये वाला, ये जो निचली है 135 डिग्री पर बनना है, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। कुछ इसी तरीके से आपको बनाने थे। आप यहाँ पर डायमेंशंस भी हम दे सकते हैं। तो डायमेंशंस क्या होगा, ये हमारा इसकी डायमेंशंस होगी, ये हमारा फ्रंट व्यू का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशंस हमारा 50 दिया हुआ है और इसकी डायमेंशंस होगी, देखिए दो, केवल दो की डायमेंशंस हम देंगे। यहाँ पर इसकी डायमेंशंस हम देंगे 40 mm। ये एरो आप बना लीजिएगा, यहाँ पर एरो बनेगा तो टाइम, वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। तो एरो कुछ इस तरीके से आप बना लीजिए, एरो जरूरी है, एरो आप बनाना है। तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो 50 और 40, अब इसके बाद कोई डायमेंशंस आपको देने नहीं है फ्रंट व्यू में। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हमें क्या बनाना है, साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू पर हम क्या देखेंगे, तो साइड व्यू हमारा
ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, तो हम सामने से देखेंगे तो ये सारे चीज दिखाई देंगे। तो हम जो भी फ्रंट बनाएंगे तो इसको देखते हुए हम फ्रंट बनाएंगे तो वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। देखिए राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शन में जाता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, पहले हम बना लेते हैं साइड व्यू, तो हम इसको इस साइड रखते हैं और साइड व्यू हम क्रिएट करते हैं। तो साइड व्यू बनाने के लिए हमें इसकी लेंथ चाहिए, देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है कितनी है, तो हमारी इसकी लेंथ 50 है, तो हम 30 प्लस 20 जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 50 आएगा, तो इसकी कुल लंबाई हमारी 50 है। तो हम क्या करते हैं कि 50 mm इसी लाइन के पैरेलल हम खींच लेते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से 50 कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 50 mm खींच लिया, अब हमें इसकी हाइट देखनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 40 mm यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये 40 mm हमें दिखाई देगा। ये देखिए ये लाइन बराबर है, ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो आप कुछ समझ सकते हैं कि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो कुछ इस तरीके से ये स्लॉट दिखाई देगा, ये जो सरफेस है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो हमें साइड व्यू बनाना है, तो साइड व्यू बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा ये 40 mm है, तो 40 mm ऊपर की तरफ हम ले चलते हैं, वो भी लेफ्ट साइड में। तो हम 40 mm पहले बना लेते हैं, ये हमारा 40 mm देख सकते हैं कि 40 mm बना हुआ है। 40 mm बनने के बाद आपको क्या करना है, तो ध्यान से आप देखिएगा वीडियो को। 40 mm बनने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी हाइट और इसकी हाइट में बहुत सारे अंतर है और इसकी हाइट में, तो हमें क्या करना है कि यहाँ से जो लाइन जाएगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 mm, यहाँ पर 20 mm दर्शाया हुआ है, यहाँ पर 30 mm दर्शाया हुआ है, तो ये हमारा जो 20 mm है यहाँ पर हमें शो करना है, कि अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये हमारा इस तरह दिखेगा, ये उठा हुआ दिखेगा, ये हमारा हल्का सा वो होगा टेपर में होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 mm ले लेते हैं, लाइन को खींच लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 20 mm यहाँ से कुछ इस तरीके से हो गया हमारा 20 mm, ठीक है। अब हमारा यहाँ से ये जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये हाइट है हमारा, यहाँ पर देखिए हाइट है, तो हमारा ये हाइट हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ये हाइट हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं और हम खींच लेते हैं और इस लाइन को हम मैच कर लेते हैं, देखिए ये हो गया, और इस लाइन को भी मैं मैच कर लेता हूँ। आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा बन गया, ये बीच का नहीं बना अभी, ये बन गया और ये बन गया, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है, ये एरिया बनाना है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है साइड व्यू से, तो हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी हाइट है, यहाँ पर इसकी हाइट तो नहीं दिया, यहाँ पर बना हुआ है ये डिग्री कितने डिग्री पर है, तो इसकी हाइट हमें यहाँ पर दर्शानी है। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इस स्केल को हम कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे ये, और ये वाला स्केल लेंगे इस वाले बिंदु से और नीचे की तरफ हम कुछ इस तरीके से हम दर्शा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो साइड व्यू है, साइड व्यू बनकर तैयार हो गया, ये हमारा साइड व्यू है। अब चलिए चलते हैं टॉप व्यू पर, तो साइड व्यू का हम क्या करते हैं कि डायमेंशन दे देते हैं, तो डायमेंशन आप इस तरह दे सकते हैं यहाँ से, और इसकी यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगी 20, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर एरो दे दीजिएगा, टाइम लगेगा, मैं एरो कुछ इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी दे दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आप इसकी भी हाइट दे सकते हैं 40 mm और इसकी कुल लंबाई 50 mm यहाँ पर दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको डायमेंशन देने हैं। अब हम चलते हैं टॉप व्यू पर, टॉप व्यू हमारा फ्रंट व्यू के ठीक नीचे की तरफ बनेगा, तो अब हमारा क्या है, जब भी टॉप व्यू देखेंगे तो ये एरिया और ये एरिया हमें दिखाई देगा, तो तीन एरिया हमें दिखाई देंगे और
हमें ये बनाने हैं। तो अब हमें क्या करेंगे, इसकी लेंथ हमारी 100 है तो नीचे वाली है 100 ही रहेगी और ये हमारा लेंथ आ जाएगा ये 50 है। तो हम क्या करेंगे, चांदी को इधर रखेंगे और इसी लाइन को ये देखते हैं 50 mm हो गया। अब इसको यहाँ से 100 और यहाँ से 50 करने हैं, यहाँ से 50 करने हैं, इसे आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये इतना बनने के बाद ये इसलिए लिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है 50 mm, तो यहाँ से ऑलरेडी मैंने 50 ही खींचे हैं और यहाँ पर 100 दिखे हैं क्योंकि ये कुल लंबाई 100 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से 30 और 20 लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm ले लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ से 50 mm एक लाइन खींच लेते हैं और इसको मिला देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा हो। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को आगे की तरफ ले जाते हैं और इस लाइन को हम यहाँ पर मैच कर देते हैं। तो यहाँ देख रहा होगा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ भी एक पॉइंट बना हुआ है, यानी ये जो ऊपर से है ये सरफेस हमें यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेंगे और इसको हम कुछ इस तरीके से हम दर्शा देंगे। तो ये हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। अब डायमेंशंस क्या देने हैं, डायमेंशंस इसके हम दे देते हैं, इसके डायमेंशंस कितने थे हमारा 50 mm, इसके डायमेंशंस कितने थे 30 30, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुल इसकी लंबाई आपको दर्शानी है तो यहाँ पर भी इसकी लंबाई आप दर्शा सकते हैं, यहाँ पर इसकी कुल लंबाई यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आप दर्शा सकते हैं 100 mm, यानी आपको ये हमारा टॉप व्यू फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। देखिए मेन होता है फ्रंट व्यू, अगर आप फ्रंट व्यू एंगल आपको दिया हुआ है ये 135 डिग्री के कोण पर है। देखिए इसको किस तरह समझा है, पहले आपको यहाँ से लेना है, लास्ट में और समझा दे रहे हैं इस तरह लेना है, इसके बाद आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है और इसके बाद आपको इस तरीके से लेना है। देखिए सेम प्रोसेस है, आपको किस तरीके से चांदे को आपको रखने हैं तब जाके आपको ये फ्रंट व्यू बनकर तैयार होगा। अगर फ्रंट व्यू बन गया तो साइड और टॉप आइसोमेट्रिक आपको बनकर तैयार हो जाएगा। डायमेंशंस और आइसोमेट्रिक के हिसाब से हम चलते हैं, जिस तरीके से एंगल दिया हुआ है हम चांदे की मदद से या मिनी ड्राफ्टर आपके पास होगा तो मिनी ड्राफ्टर की मदद से हम इस टाइप के डायग्राम को बनाते हैं। अगर चांदा नहीं रहेगा तो आप इस टाइप के डायग्राम नहीं बना सकते हैं। अगर बिना चांदे के बनाएंगे तो ऑलरेडी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक में दिया हुआ है आप उसी तरीके से टू कॉपी कर देंगे, यानी आपकी जो पूरी डायग्राम है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल आप देख सकते हैं कुल इस तरीके से आपको डायग्राम बनकर तैयार होगा। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस का है, यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट एंगल में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, फ्रंट इधर है, टॉप इधर है और साइड इधर है। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको बनाने हैं। ठीक है, लास्ट में आपको इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ये डायग्राम जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हल करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो इस टाइप के आसानी से ये हल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही स्टेप मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है। और रही बात मतलब डायमेंशंस मैंने क्लियरली नहीं दिया है, फ्रंट व्यू जो टॉप व्यू और साइड व्यू है वो आपको 5 mm में कैपिटल लेटर में लिखने हैं। अगर हम मैंने उसको भी मतलब एक्यूरेट बनाता कि एरो ऐसे बनाना है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हम थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश किए हैं वीडियो को, तो शॉर्ट करते करते तभी 25 मिनट 20 मिनट 18 मिनट का भी हो जाता है, क्योंकि ड्राइंग है, ड्राइंग बहुत समझाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप अगर बताएंगे तो जाहिर सी बात है वो समय लेगा, समय टेकन वाली ये ड्राइंग है क्योंकि
क्योंकि आपको सीखना है तो उतना समय आपको देने पड़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलें, प्लीज हमें कमेंट करें, कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी हो, और इसे शेयर करना ना भूलें क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा एक ऐप है फिटर का और इलेक्ट्रिशियन का, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड सेमेस्टर वाइज भी है, ईयर वाइज भी है, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसमें ड्राइंग के जितने भी है फ्री हैंड से लेके सारे ड्राइंग आपको उस ऐप में, चाहे वो फिटर का हो चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का हो, उस ऐप में आपको मिल जाएंगे।